रेडवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक आतंकी लश्कर ए तैयबा के ही मुखौटा संगठन TRF का टॉप कमांडर बासित अहमद डार था। बासित डार ए श्रेणी का आतंकवादी था और 2021 से सक्रिय था। वो श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों और अल्पसंख्यकों पर हमलों सहित 18 से अधिक मामलों में शामिल था। IGP कश्मीर BK विर्दी ने कहा कि उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस और यहाँ पे हमारे जो आर्मी यूनिट्स हैं उनको एक जराए से खबर मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट। तो उसी असना में जो टारगेट एरिया का जब मुहासरा किया गया तो वहाँ से अंदर से फायर आया और उसके बाद जो है एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो ऑपरेशन में हम लोगों ने पूरा जो लीगल ड्यू डिलीजेंस है उसको करते हुए सुबह जो है ये सुबह उसमें जो गोलीबारी है और उसको इंटेंसिफाई हो गई और ये आज दोपहर को ये ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है। बट अभी भी ये अभी सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि उसमें जो डेब्रीज होती हैं और वो एक्सप्लोजिव होता है उसको क्लियर करने का अभी काम चल रहा है। सर, जो मारे गए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, इसमें मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन बासित डार जो TRF का ए कैटेगरी का वो है, 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में जो कि पुलिस पर्सनल सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था तो ये इसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। और ऑपरेशन ओवर हुआ कि अभी नहीं? ऑपरेशन अभी कंक्लूसिव स्टेजेस पे है, अभी उसकी डेब्रीज और जो एक्सप्लोजिव है उसके क्लियरेंस हो रहा है। सर, ये बताएं कि जो अभी जो है एंटी नेशनल फोर्सेस या टेररिस्ट द्वारा हमेशा रहते हैं बट जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स अमला उसके लिए मुस्तैद है और इस टाइप की कोई भी प्रयास होगा तो उसको वो